टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो इश्क में मरजावा सीजन 2 को अभी टीवी पर आए ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि ये सभी का फेवरेट शो बन गया है, जिसमें शो के साथ साथ शो के मुख्य अभिनेता कबीर का किरदार निभाने वाले अभिनेता विशाल वशिष्ठ को भी दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, जो कि एक अंडरकवर एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो क्रिमिनल वंश को पकड़ना चाहता है, जिसके चलते वो अपनी प्रेमिका रिद्धमा से वंश पर जासूसी करने को कहता है और इस किरदार को निभाकर ही वो आज सभी के फेवरेट अभिनेता बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शो में कबीर का किरदार विशाल वशिष्ठ से पहले टीवी के कई पॉपुलर अभिनेताओं को ऑफर हुआ था, पर वो सभी किसी न किसी वजह से इस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके थे। किसी को शो के मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया तो किसी ने खुद ही इस शो को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कबीर का ये रोल विशाल वशिष्ठ को मिला और आज वो इस किरदार के साथ दर्शकों के फेवरेट बन गए हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन्हीं पॉपुलर अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो कबीर के रोल के लिए रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। नंबर 5, करण वाही। टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम अभिनेता हैं करण वाही, जो अब तक कई टीवी शोज में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। इनकी अच्छी एक्टिंग से प्रभावित होकर ही इन्हें इस शो में कबीर का लीड रोल ऑफर हुआ था, पर ये उससे पहले ही खतरों के खिलाड़ी मेड इन चाइना को साइन कर चुके थे, इसलिए इन्होंने इस शो के ऑफर को नहीं स्वीकारा और इस तरह ये कबीर के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिए गए। नंबर 4, नकुल मेहता। स्टार प्लस के शो इश्कबाज में शिवाय सिंह ओब्रॉय का किरदार निभाने वाले अभिनेता नकुल मेहता की इस शो में जबरदस्त एक्टिंग देखकर शो के मेकर्स ने इन्हें भी कबीर का किरदार ऑफर किया था और ये इस शो को करने के लिए राजी भी हो गए थे, पर अंत पर इन्होंने नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड वेब सीरीज के लिए इस रोल और इस शो को ठुकरा दिया। नंबर 3, रवि दुबे। जमाई राजा जैसे हिट शोज दे चुके अभिनेता रवि दुबे ने अपने अभिनय के दम पर आज करोड़ों लोगों को अपना फैन बना लिया है। इनकी इसी फैन फॉलोइंग और दमदार अभिनय से प्रभावित होकर इस शो के मेकर्स ने इन्हें कबीर का लीड रोल ऑफर किया था, पर जब इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो इस रोल में फिट नहीं बैठ पाए और इनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस वैसे नहीं थे जैसे मेकर्स को कबीर के रोल के लिए चाहिए थे, इसलिए इन्हें मेकर्स ने कबीर के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2, वरुण सोबती। इस प्यार को क्या नाम दूं शो के अर्णव से राजायदा के किरदार से प्रसिद्ध हुए अभिनेता वरुण सोबती ने अपने दमदार अभिनय से सभी दर्शकों का दिल खूब जीता था, पर ये पिछले काफी समय से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं और इन्हें टीवी इंडस्ट्री पर वापस लाने के लिए इस शो में कबीर का लीड रोल ऑफर हुआ था, पर इन्होंने ये कहकर इस रोल को ठुकरा दिया कि ये अब किसी टीवी शो में काम नहीं करना चाहते, ये अब केवल वेब सीरीज पर ही फोकस करना चाहते हैं, इसलिए तो ये पिछले काफी समय से वेब सीरीज ही कर रहे हैं और वर्तमान में भी असुर नाम की वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। नंबर 1, वत्सल सेठ। हासिल जैसे टीवी शोज कर चुके अभिनेता वत्सल सेठ इश्क में मरजावा सीजन 2 में मेकर्स की पहली पसंद थे कबीर के रोल के लिए, क्योंकि पहले भी इस तरह के रोल निभा चुके हैं, पर जब इनसे इस रोल को करने के बारे में पूछा गया तो इन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि इन्हें शो की स्टोरी जरा भी पसंद नहीं आई थी, साथ ही कबीर का किरदार भी इन्हें समझ नहीं आया, इसलिए इन्होंने मेकर्स के बहुत मनाने पर भी इस शो के लिए सीधा ना कह डाला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा एक्टर विशाल वशिष्ठ से अच्छा कबीर का किरदार निभा सकता था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।